और ये है डार्लिंग्स बार कंप्लीट। बैक साइड में तो और ही अलग वाइब है ब्रो। ये देखिए ये जगह है वेगेटर हिल टॉप, आप देख पा रहे होंगे वो हिल टॉप लिखा हुआ है। एंड दिस इज द पार्किंग कंप्लीट, आप यहाँ कार बाइक स्कूटी सब कुछ लगा सकते हैं। और यहाँ से वो पार्टी लोकेशन है, यहाँ पे पहले आपको टिकट लेनी होगी लेफ्ट से, डेट इज 2500। और यहाँ से फिर एंट्री चेक। सी एंजॉय द म्यूजिक, हैव फन। वेगेटर की हिल टॉप मार्केट जहाँ पे फैंसी पार्टी चल रही थी उसको छोड़ के वहाँ से राइड करते हुए जंगलों से होते हुए, मजाक कर रहा हूँ, नॉर्मल रास्ता है, हम आ गए हैं डार्लिंग्स बार। मेरे सामने ही है, मैं आपको दिखाता हूँ डार्लिंग्स बार कि क्या है यहाँ पे और क्यों स्पेशल है और मैं स्पेशली क्यों लेके आया हूँ इतना दूर आपको। ये है वो डार्लिंग्स बार जिसकी मैं बात कर रहा था सुबह से, जहाँ पे मैं आपको लेके जाना चाहता था और मैं स्पेशली आया हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। छोटी शॉप, ओल्ड स्टाइल, बहुत पुरानी गोवा की दुकान है जिसके अंदर बार बना हुआ है। यू कैन ईट, यू कैन चिल, देख रहे हो आप फॉरनर्स आए हुए हैं, साउथ इंडियंस भी बैठे हैं एंड दे आर चिलिंग आउट। हमने भी सोचा हम अपना रात का टाइम यहीं स्पेंड करेंगे रहते थे यानी एक्सपेंसिव कैफे या क्लब। हम यहाँ जा रहे हैं डार्लिंग्स बार में, बहुत ही अच्छी वाइब है। ये गली के अंदर है, ये देखिए दिस इज इन अ स्मॉल गली रो, और ये यहाँ पे मिल जाएगा। लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, चलते हैं इसके अंदर देखते हैं अंदर क्या कुछ वाइब ही अलग है यहाँ पे तो डार्लिंग्स बार में। This is the bar. Oh, मेरे को लग रहा है हर टाइप की अल्कोहल यहाँ मिल जाएगी, बट नॉट, यू जस्ट नेम इट एंड इट्स हियर। अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग, क्या अमेजिंग लुक है यार। दिस इज एन अमेजिंग क्राफ्ट, दिस इज एन अमेजिंग क्राफ्ट एक्चुअली, दिस इज एन आर्ट एंड द आर्टिस्ट इज हियर। विल ऑर्डर समथिंग गुड और फिर आपको दिखाते हैं हमने क्या ऑर्डर किया। हमने इनका फूड मेन्यू और ड्रिंक्स मेन्यू दोनों देख लिया। फूड मेन्यू बहुत छोटा था इनका और ड्रिंक्स मेन्यू बहुत बड़ा, नाम से पता लगता है डार्लिंग्स बार, तो बार के आइटम में भरपूर है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं फूड मेन्यू और ड्रिंक्स मेन्यू दोनों स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा, आपको वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिगर आउट कर सकते हैं। फिलहाल फूड मेन्यू में बहुत टाइम लग रहा था, लगभग उन्होंने कहा कि 45 मिनट लग जाएंगे किसी भी फूड को बनने में, तो हमने फूड नहीं मंगाया। लेकिन हाँ, मैंने मंगाई है एक बियर जिसका नाम है पीपल्स लैगर। मैं इसको आपको सामने से दिखाता हूँ, आप नाम नहीं पढ़ पा रहे होंगे। दिस इज पीपल्स लैगर, यहाँ की ऑथेंटिक बियर है, पुरानी बहुत ओल्ड स्टाइल ओल्ड स्कूल बियर है, तो हमने वो मंगाई है, वो टेस्ट कर रहे हैं हम कि कैसी है, बताता हूँ टेस्ट करके कि सर टेस्ट कैसा है। बाकी वाइब बहुत शानदार है, वाइब इज अमेजिंग, बहुत ही प्यारी वाइब आ रही है यहाँ पे, मजा आ रहा है यहाँ बैठ के। गाने एक अलग ट्रांस चल रहा है, एक लेवल इंग्लिश सॉन्ग्स एंड अमेजिंग। अगर आपको ये वाला वाइब पसंद है तो यू विल लव दिस प्लेस, यू कैन कम विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, फैमिली वाली जगह नहीं है, इफ आई सजेस्ट फ्रेंड्स के साथ जाइए, कपल आइए, यू विल लव दिस प्लेस। हाँ, अगर आप अलग अलग चीज़ें पीने के शौकीन हैं, यू नीड समथिंग फ्रॉम द बार, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, अनलिमिटेड। गोवा आए और बियर ना ट्राई करी, ये तो बोरिंग हो जाएगा ना, तो बोरिंग नहीं बनाते, गोवा की ट्रिप को अमेजिंग बनाते हैं। तो गोवा आके बियर तो ट्राई करना बनता ही है। मुझे ये बियर पसंद आई, दिस इज पीपल्स लागर, बढ़िया लग रही है, गोवा ब्रूइंग कंपनी, दिस इज अमेजिंग। बॉटल बहुत शानदार है इसकी, यू कैन ऑल्सो टेक इट अलॉन्ग विद योर होम, बहुत शानदार बॉटल है। डार्लिंग्स बार सिर्फ उतना नहीं है, वहाँ से जस्ट आप थोड़ा सा बैक साइड आएंगे, आप पूछ लीजिएगा बैक साइड कहाँ है, और ये है डार्लिंग्स बार कंप्लीट। बैक साइड में तो और ही अलग वाइब है ब्रो, यहाँ पूल रखा हुआ है, यू कैन एंजॉय पूल प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स, स्नूकर पूल, पूल है नॉट स्नूकर, लेकिन यू कैन एंजॉय प्लेइंग दिस अलोंग विद द बियर एंड स्टफ। यहाँ सीटिंग अवेलेबल बहुत ज़्यादा है, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सीटिंग, इफ यू आर अ ह्यूज ग्रुप नीड नॉट वरी, आपको यहाँ पे बड़े टेबल्स मिल जाएंगे। अगर आप बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है तो आप आइए यहाँ, पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए, वाइब अलग है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। दिस प्लेस हैज गॉट सम रियल चिल वाइब्स मैन, सी Enjoy the music, have fun. Darlings Bar की vibe की enjoyment के साथ करते हैं इस video को यहीं खत्म। I hope आपको हमारी ये video पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो please do like, comment, subscribe and share this video with your friends and family, और बहुत बहुत प्यार देने के लिए thank you so much. बहुत मज़ा आ रहा है हमें आपके लिए वीडियो बना के, आई होप आपको भी आ रहा होगा हमारी वीडियोस को देख के। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम आपको लेके जाएंगे अब क
कैलंगड़ बीच, बागा बीच, अगोंडा फोर्ट, बहुत सारी प्लेसेस जाना है अभी। एक और दो प्लेसेस मैं बता देता हूँ आपको, एक म्यूजियम ऑफ गोवा है, साथ ही साथ एक म्यूजियम ऑफ एल्कोहल, मोस्ट अट्रैक्शन पार्ट कल की वीडियो का। तो प्लीज जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।